Guys, I am Pallavi Chaudhary and I am going to start a new lecture of life process. It is a lecture number 8. हम लोग गैसेस एक्सचेंज लोअर ऑक्सीजन हम लोग पढ़ चुके थे. अब आज का सेशन है गैसेस एक्सचेंज इन हायर ऑर्गेनिज्म. इन हायर ऑर्गेनिज्म सर्टेन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट दैट एज रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स. In insects, gaseous exchange occurs through a system of tubes called the tracheal system. Insects में gaseous exchange होता है वो through tubes होता है जिसको हम बोलते हैं tracheal system. It consists of tiny holes और वो consist करता है tiny holes जिसको हम कहते हैं spiracles and the air tubes. और जो ईयर ट्यूब गिरा लेते हैं वो है ट्रैकी एंड ट्रैक्योल्स. इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स. और जो एक्वेटिक यानी जो पानी में रहने वाले होते हैं वो गिल्स के थ्रू अपना मतलब रिस्पिरेशन करते हैं, रिस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं. गिल्स आर थिन एंड मॉइस्चर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स. गिल्स जो होते हैं वो थीन और मॉइस्चर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है दैट आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज. जो कि रिचली सप्लाइड होता है ब्लड कैपिलरीज के मतलब ब्लड कैपिलरीज के साथ. इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म सच एज फ्रॉग्स लिजार्ड बर्ड एंड ह्यूमंस गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू लंग्स. और जो मतलब जो अर्थ पे रहने वाले यानी कि मतलब जो मिट्टी पे रहने वाले हैं जो पानी में ही रहने वाले हैं वो अपना मतलब रिस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं थ्रू लंग्स. इन फ्रॉग एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू बोथ लंग्स एंड स्किन. और फ्रॉग जो होता है उसमें फ्रॉग मतलब अपने रिस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं थ्रू लंग्स एंड स्किन ऑल्सो. मतलब स्किन और लंग्स के दोनों के द्वारा वो करते हैं. ये आप लोग का हार्ट का फिगर. रिस्पिरेशन इन ह्यूमन. इन ह्यूमन रिस्पिरेशन इन्वॉल्व थ्रू टू स्टेज ब्रीथिंग एंड सेलुलर रिस्पिरेशन. ब्रीथिंग इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस. मतलब ब्रीथिंग में मतलब गैसेस का एक्सचेंज होता है. सेलुलर रिस्पिरेशन इट इन्वॉल्व रिलीज ऑफ एनर्जी एटीपी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. मतलब इसमें इन्वॉल्व रिलीज होता है एनर्जी ऑक्सीडेशन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग. द रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूड नॉस्ट्रियल्स नसल कैविटी फाइनेक्स लैरिंक्स ब्रोंकी नसल कैविटी फाइनेक्स लैरिंक्स ट्रैकी ब्रोंकियोल्स एल्वियोलर सैक और एल्वियोली एंड लंग्स. नॉस्ट्रियल्स एंड नसल कैविटी. द नसल पासेज आर पेवी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ओपन आउटसाइड थ्रू टू नॉस्ट्रिल. जो नॉस्ट्रिल होता है वो हमारे नाक के सबसे मतलब जो हम लोग का नाक में दो मतलब छेद टाइप में होते हैं उसी को हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं. द टू नसल कैविटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. और जो दो नसल कैविटी होते हैं वो सेपरेट होते हैं बाई अ कार्टिलेजनस स्पेक्ट्रम. मतलब कार्टिलेजन स्पेक्ट्रम के द्वारा. द इनर सर्फिस ऑफ नसल पासेज इज लाइन बाई फाइन हेयरी क्लीटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स विच हेल्प इन फिल्टरिंग द एयर एंटरिंग द नसल कैविटी एंड ऑल्सो मॉइस्चर इट. मतलब हम लोग की जो इनर सर्फिस होते हैं नसल कैविटी के पासेज करते हैं हम लोग एयर वो मतलब कुछ हेयर से मतलब उसके अंदर कुछ हेयर होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं हमारी मतलब कोई भी मतलब अगर कोई भी डस्ट मतलब अगर हम लोग के नाक से थ्रू जा रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करती हैं कि वो हमारे अंदर ना जाए वो उसको रोक देती हैं.
The nasal cavity is also lined with the olfactory epithelial, which acts as organ of smell. और नसल कैविटी जो होती है वो मतलब ऑल्सो लाइन मतलब वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के साथ लाइन होती है और उस वो एक्ट करती है किसी भी चीज को स्मेल करने में. फैनिक्स, फैनिक्स इज द शॉर्ट ट्यूब लोकेटेड इन द थ्रोट. फैनिक्स जो होता है वो शॉर्ट ट्यूब जैसे होता है जो कि हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है एंड सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, जो कि सर्व करता है दोनों फूड और एयर दोनों. लाइनिंग, फाइनिक्स ओपन इन टू लाइनिंग विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन. फाइनिक्स के बाद मतलब जब जैसे फाइनिक्स खत्म होता है लाइनिंग ओपन हो जाता है और उसके वो हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में. इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स और एडम एप्पल, जिसको हम लोग एडम एप्पल या वॉइस बॉक्स बोलते हैं. ट्रैकी, विंड पाइप, इट इज 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब. ट्रैकी जो होता है वो 10 टू 12 लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसे होता है विच कैरीज एयर फ्रॉम द थ्रोट टू द लंग, जो कि कैरी करता है एयर फ्रॉम द थ्रोट टू द लंग. इट वॉल्व इज सराउंडेड बाई 15 टू 20 कार्टिलेजनस रिंग्स. और जो इसका वॉल्व होता है वो सराउंडेड होता है 15 टू 20 कार्टिलेजनस रिंग्स से विच प्रिवेंट द ट्रैकी फ्रॉम कोलैप्सिंग, जो कि ट्रैकी को प्रिवेंट करता है कोलैप्स करने से. इट ऑल्सो कंटेन्स सिलिएटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, और वो कंटेन करता है सिलिएटेड एपिथेलियम और म्यूकस को सिक्रेट करने से मतलब सिक्रेट करने के लिए सेल्स को. हेल्प इन प्रिवेंटिंग एनी डस्ट, और वो हेल्प करता है और प्रिवेंट करता है मतलब एनी डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोब फ्रॉम इंटरिंग द लंग्स, कि मतलब माइक्रोब हुए और कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हो वो इंटर ना करें हमारी बॉडी में, मतलब लंग्स के पास इंटर ना करें, नहीं तो अगर लंग्स पर इंटर कर लेंगी तो बहुत सारी दिक्कत होंगे. ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स, ट्रैकीज डिवाइड इनटू टू ब्रोंकीज कॉल्ड ब्रोंकी, मतलब जो ट्रैकी होता है वो डिवाइड होता है दो ब्रांचेस में जिसको बोलते हैं ब्रोंकी. तो दैट प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंकी, इट गिव्स राइज टू सेकेंडरी ब्रोंकी एंड टर्शियरी ब्रोंकी, जो प्राइमरी ब्रोंकी और इट मतलब राइज करते सेकेंडरी ब्रोंकी टू टर्शियरी ब्रोंकी. ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकी अल्टीमेटली प्रोड्यूस वेरी फाइन ट्यूब, और जो ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकी होता है वो मतलब अल्टीमेटली प्रोड्यूस करता है वेरी फाइन ट्यूब, बहुत ही मतलब वेरी फाइन ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, जिसको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं. ब्रोंकी ऑल्सो लाइन इंटरनली बाय सिलिएटेड एंड म्यूकस सिक्रेटिंग एपिथेलियम बट ब्रोंकियोल्स डू नॉट प्रोसेस दैम. ब्रोंकी जो होता है इंटरनली मतलब के द्वारा सिलिएटेड एंड म्यूकस सिक्रेट करता है थ्रू एपिथेलियम, बट ब्रोंकियोल्स जो होता है वो ये नहीं करता है. ईच ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट इन अ सैक कॉल्ड एल्वियोलर सैक, और ईच ब्रोंकियोल्स जो होता है वो टर्मिनेट करता है और टर्मिनेट करके उसको टर्मिनेट इन अ सैक जिसको हम कहते हैं एल्वियोलर सैक और एल्वियोलस एल्वियोली आर द एक्चुअली एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, और एल्वियोली जो होता है वो एक्चुअल साइट होता है ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज. थैक्स आर कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ लंग्स. ईच एल्वियोलस हैज ड्यूज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज ऑन इट्स आउटसाइड, और जो एल्वियोलस होता है वो मतलब ड्यूज नेटवर्क होता है ऑफ ब्लड कैपिलरीज ऑन इट्स आउटसाइड. लंग्स, द लंग्स आर ए पेयर ऑफ हाई द लंग्स आर अ पेयर ऑफ हाईली इलास्टिक हॉलो
membranous bag-like structure situated in the thoracic cavity. जो नक होता है एक पेयर ऑफ हाईली इलास्टिक हेलो मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सिचुएटेड होता है थोरेक्सिक कैविटी द बोट लोअर सर्फेस ऑफ द लंग्स रेस्ट ऑन अ सीट ऑफ मसल्स कॉल्ड द डायफ्राम जो बोट लोअर सर्फेस होता है लंग्स के रेस्ट ऑन अ सीट ऑफ मसल्स उसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम Each lung is covered by two membranes called pleura. और each lung जो होते हैं वो covered होते हैं दो membranes उसको कहते हैं pleura और pleural membranes. In between the two pleura membranes a fluid is filled called pleura field, which protects the lungs from mechanical shock and injury. मतलब जो प्लूरा होता है वो प्रोटेक्ट करता है लंग्स को कि कोई भी मैकेनिकल शॉक एंड इंजीनियरी आए मतलब लोगों को हार्ट अटैक उसको प्रोटेक्ट करता है कि मतलब वो सब ना आए कीप द लंग सरफेस मॉइस्चर एक्सेट्रा और लंग सरफेस को कीप करता है और मॉइस्चर मतलब प्रोवाइड कराता है एक्सेट्रा द राइट लंग इज लार्जर देन द लेफ्ट वन बिकॉज एट लंग कंटेन थ्री लोब मतलब जो राइट लंग होता है वो लार्जर होता है देन लेफ्ट वन बिकॉज जो इसका मतलब लंग जो होता है वो कंटेन करता है थ्री लोब द लेफ्ट लंग कंटेन टू लोब्स मतलब जो लार्जर वाला होता है यानी कि राइट जो होता है वो थ्री लोब कंटेन करता है और जो स्मॉल वाला यानी कि लेफ्ट वन होता है वो टू लोब कंटेन करता है ये है आपकी एल्वियोली की फिगर थैंक यू गाइस टुडे सेशन इज कंप्लीटेड प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो एंड लाइक द वीडियो थैंक यू